अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। फजाया हाउसिंग सोसाइटी आपको याद होगा, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो शुहदा के लिए प्रोजेक्ट था, जिन्होंने अपनी जान, अपनी जिंदगी, जो हमारे हीरोज थे, इस वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए अपनी जान दी, अपनी जिंदगी दी। उन्हीं के साथ एक धोखा होता है, उन्हीं की फैमिलीज के साथ एक धोखा होता है, और उन्हीं ने किया। पाकिस्तान एयरफोर्स के लोगों ने, उन्हीं की मैनेजमेंट ने फजाया का नाम इस्तेमाल करके, मेरे साथ पाकिस्तान एयरफोर्स और एक ज्वाइंट वेंचर होता है जिसमें मैक्सम ग्रुप और जिसके प्रॉपर्टीज होते हैं उन्होंने मिलके, जिनके लिए सिंध हुकूमत ने भी एक जमीन इनको दी कि जाएं शुहदा के लिए, और यह तय हुआ कि तकरीबन 8400 रेजिडेंशियल यूनिट्स बनेंगे। लेकिन उन्होंने तकरीबन उसमें धोखादही की और तकरीबन 30% उन शुहदा के लिए, बाकी जनरल पब्लिक के लिए। ये तो वॉइस फेयर की चीजें थी, जो एक केस नेप के अंदर भी है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी सोमोटो नोटिस लिया गया। ये सब शुहदा के लिए, उन हीरोज के लिए, उन फैमिलीज के लिए, उनके साथ होता है। ये कौन कर रहा है? ये पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जो हाई अप्स हैं, जिन्होंने मिलके मैक्सम, वही लोग उनके साथ मिलके, अपनी शुहदा की फैमिलीज के साथ मिलके उन्होंने ये फ्रॉड किया, ये चीटिंग की, जमीन लेके कंस्ट्रक्शन शुरू की, इलीगल कंस्ट्रक्शन, इजाजत नहीं ली गई, बुकिंग नहीं की गई, बैंगलोस बनाना शुरू की गई। और जब इनसे पूछा गया, ये तो शुहदा के लिए थी जमीनें, सब कुछ उन लोगों के लिए जमीनें थी जिन्होंने इस वतन के लिए, इस मुल्क के लिए अपनी जान दी थी, अपनी कुर्बानी दी थी इस वतन के लिए, जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ किया था और सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो नोटिस लिया था, और उन्हीं के साथ ये चीज की गई थी और उन्हीं के साथ। और इनको जितना जल्दी हो सके, और कहा गया कि आप ये तकरीबन 16 अरब रुपए आप पैसे दें और जितना जल्दी हो सके, और उन शुहदा फैमिलीज के हवाले से, यानी कि ये उनके लिए घर बनने थे शुहदा के लिए। ये जनरल पब्लिक कहां आई? उनके वेलफेयर के लिए बननी थी सब कुछ, उन शुहदा के लिए ये सब कुछ होना था। लेकिन ये मिलके ये करप्शन की गई, एक तो मैक्सम ग्रुप, और उनको गिरफ्तार भी उन लोगों को किया गया था नेप के हवाले से, उनको जेल अंदर रखा गया था कि आप लोगों ने ये करप्शन की है। मैं ये कहता हूं कि इनके ऊपर और एक्शन होना चाहिए। फजाया का नाम इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स सबसे बड़ा इदारा है हमारा, फजाया का इदारा, जो मुल्क की दफा के लिए, जो चंद लोग, चंद अफसरान मिलके ये चीज कर रहे हैं। मैं ये अपील जरूर करूंगा, ये सबसे 2015 से ये जो प्रोजेक्ट है, मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, नेप के अंदर ये केस है, सब कुछ ये सबको पता है, ये तय है, कस्टडी में है, मशीनरी कस्टडी में है, सब चीजें कस्टडी में है। आज भी उनके हाथ में ये तय हो चुका है और उनको पैसे भी वापस किए जा रहे हैं, हर चीज हो रही है। लेकिन मैं आज भी ये कहता हूं कि ये सब प्लॉट सिंध गवर्नमेंट ने, उस टाइम के सीएम ने सब कुछ चीजें कही थी कि ये शुहदा के लिए बननी है, सब कुछ ये क्यों हुआ,
किस लिए हुआ, ये कैसे पैसा, ये कैसी करप्शन, क्यों शुहदा के लवाकीन के साथ, जिसने इस मुल्क के लिए अपनी जान दी, ये हमारे हीरोज थे, आपके हीरोज, मेरे हीरोज, इस मुल्क के हीरोज, ये हमारे मुल्क के लिए इन्होंने जान दी थी, धरती के लिए जान दी थी, ये आपके, मेरे, सबके, इसके ऊपर जरूर एक्शन होना चाहिए और सख्त एक्शन होना चाहिए और इसके ऊपर मुख्तियार कार से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक और काफी हमारी जमीनें पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल ने इलीगल जो है ऑक्यूपेशन भी की है, ये भी चीजें इसके ऊपर लिखी हुई हैं, नोटिफिकेशन भी दिए गए हैं, ये भी इसके ऊपर लिखा हुआ है, क्यों जनरल पब्लिक के लिए ये चीजें दी गई थी, ये शुहदा के हवाले थी, ये क्यों दिया गया था, इसके ऊपर भी ये चीजें होनी चाहिए, ये शुहदा के साथ क्यों, उनकी फैमिलीज के साथ ये चीजें क्यों गई, ये आपके साथ सबूत है, ये चीजें आपके सामने है, ये लोगों को पता होना चाहिए, ये सब आपके सामने एक्सपोज कर रहे हैं, ये केस इदारों के सामने, ये अदालतों के सामने, ये कोर्ट्स के सामने, हकूमतों के सामने, इदारों के सामने, ऑफिशियल्स के सामने, ये सब चीजें एक्सपोज हैं, ये शुहदा के लिए थी, उनके लिए थी, 100% उनके लिए थी, कहां जनरल पब्लिक, कहां आम अलॉटीज, कहां आम लोग, उनके लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ शुहदा की फैमिलीज के लिए था, उनके साथ ये क्यों किया गया, उनके पैसे क्यों हड़प किए गए, उनके ऊपर क्यों ये पैसा कमाया गया, क्यों उनके साथ ये करप्शन की गई, इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, यही मुझे आज आपके साथ ये चीज आप तक पहुंचानी थी, मैं हकायक आपको पहुंचाता रहूंगा, आपको अपडेट करता रहूंगा, हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ रहेंगे अपने शुहदा के साथ। और आज के मेरे मेहमान हैं यासीन आजाद साहब, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के और नून लीग के रहनुमा है, सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम, और उसी के साथ मोहतरम जनाब सैयद कुमेल हैदर शाह साहब, पीपी रहनुमा है, सर मैं आपको भी वेलकम करता हूं। सर मुख्तलिफ सियासी सूरत हाल है मुल्क के अंदर, लॉकडाउन वफाक कंफ्यूज है काफी चीजों पर, क्या कहेंगे इसके ऊपर? सर देखें, जहां तक वफाक का तल्लुक है, वफाक तो पहले दिन से कंफ्यूज है। पहला केस जो 26 फरवरी को आया और उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन इस पॉइंट पे बात करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि रमज़ान का महीना शुरू हो गया, मैं पाकिस्तान की पूरी कौम को रमज़ान मुबारक बात पेश करता हूँ और अल्लाह ताला के दरबार में दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जो इस वक्त एक वबा फैली हुई है जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं और मुख्तलिफ ममालिक क्राइसिस में हैं, उनसे के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम ममालिक को और स्पेशली पाकिस्तान को इस वबा से निजात दिलाए। जो बात आपने कही उसके हवाले से मैं ये बात कहूँगा कि स्टेट जो होती है, स्टेट की बेसिक जिम्मेदारी ये होती है कि जब कभी कभार कोई मुश्किल वक्त अपनी कौम पे आए तो स्टेट जो होती है वो राइट डायरेक्शन में अपनी कौम को लीड करती है, उन लोगों को लीड करती है जो उनको इलेक्ट करके वहाँ तक पहुँचाते हैं। इस मुल्क की बदकिस्मती यह है कि इस वक्त जो हुकूमत बरसर इक्तदार है, उस हुकूमत की जो सूरत हाल है वो ये है कि उसका जो सरबराह है वो बजाते खुद इतना कन्फ्यूज़ है कि उसको ये समझ में नहीं आता कि ये जो सूरत हाल है इससे कैसे मिट किया जा सकता है। तो जिस तरह शुरू में मैंने ये कहा था कि पहला केस जब 26 फरवरी को पाकिस्तान में आया और इससे पहले ये वबा जो है चाइना से स्टार्ट हो चुकी थी, तो अगर कोई सेंसेबल हुकूमत होती तो वो वक्त से पहले ये प्लानिंग ज़रूर करती कि ये बीमारी जो फैलती हुई जा रही है ये कल हमारी तरफ भी आ सकती है, तो वक्त से पहले हुकूमत सोच समझ के तहत अगर कोई अरेंजमेंट कर लेती तो शायद आज जो मुश्किल सूरत हाल से हम दो चार हैं इससे शायद हम दो चार न होते, नंबर वन। नंबर टू, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कन्फ्यूज़ है, वो लॉकडाउन के हक में ना तो शुरू से थे और ना लॉकडाउन की उन्होंने बात की। इस का सबसे पहले जो स्टेप उठाया वो सिंध गवर्नमेंट ने उठाया कि ठीक सर, सिंध गवर्नमेंट पे मैं आता हूँ, शायद आपकी तरफ आऊँगा।
आज भी जो है ना वफाक ने कहा है कि हम जो है ना इसको आगे बढ़ाते हैं लॉकडाउन, लेकिन वो स्मार्ट लॉकडाउन की बात करते हैं कि एक तरफ लॉकडाउन भी हो और दूसरी तरफ जो है ना बिजनेस भी चलता रहे। क्या कहेंगे इसके ऊपर शाह साहब? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, प्रॉब्लम हमारे पास है, प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं और उस प्रॉब्लम में आप देखें कि लॉकडाउन जितना ज़रूरी है उस पे ये फेडरल गवर्नमेंट बार बार एक अपना स्टांस दे रही है कि हमें और उनके ऐसे बयान, हालांकि हो वही रहा है जो सिंध गवर्नमेंट कर रही है, थोड़ा लेट कर रहे हैं ये लोग लेकिन कर वही रहे हैं, लेकिन बयानात ऐसे दे रहे हैं कि पब्लिक को कन्फ्यूजन में डाल रहे हैं। जो अवाम है वो कन्फ्यूजन में, मिसाल की बात है सिंध गवर्नमेंट एक स्टेटमेंट दे रहा है, फेडरल गवर्नमेंट कुछ और देता है, फिर उस पर अब ताजर दूसरे लोग वो सब परेशान हो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। इस हिसाब से ये फेडरल गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए, उनको उस जो एक और जैसे हमारे यासीन साहब ने कहा कि प्लानिंग नहीं थी, 26 तारीख को चीफ मिनिस्टर सिंध ने मीटिंग बुला ली, उन्होंने बिठा दिया, उन्होंने एक पूरा प्रॉपर प्लान बनाया कि इस कोरोना को किस तरीके से लड़ें, इसको किस तरीके से हल किया जाए, कैसे हम सब साथ रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर 13 तारीख को मीटिंग बुला रहे हैं, वो अनअवेयर थे कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड और उसको उन्होंने बड़ा ही लाइट लिया। अभी भी उन्हीं के इन्हीं मुशीरों की वजह से, इन्हीं उनके जो उनको ये जो मशवरे दे रहे हैं उनकी वजह से वो सही फैसला नहीं कर पा रहे। कोई भी वो एक आप देखें एक ही फैसले को 3 दफ़ा चेंज किया जा रहा है, फिर कर वही किया वही जा रहा है जो सिंध गवर्नमेंट कर रही है या जो कोई वाइज गवर्नमेंट करना चाहिए हो वो ही रहा है, लेकिन पहले उस चीज़ को अंडू करके अनडन करके पता नहीं क्या क्या उस पर स्टेटमेंट दे के उस एक कन्फ्यूजन क्रियोस पैदा करके एंड देन फिर वही किया जा रहा है जो सिंध गवर्नमेंट ने किया हुआ है। ठीक है सर, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आते हैं, इसको यहीं से हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक सर, एक तकसीम सी नजर आती है दो चीजों के अंदर, नहीं होनी चाहिए तकसीम, एक मौकफ होना चाहिए। डॉक्टर्स ने भी कहा, हमारे मसीहों ने भी कहा है कि आप जो है ना एक डॉक्टर्स का जो पेशा होता है, मसीह का पेशा होता है कि आप जो है ना एक एक मौकफ एक होना चाहिए। उस पर भी सियासत हो रही है, डॉक्टर्स भी अगर कोई कोई बात कर रहा है कि कह रहे हैं नहीं इसके ऊपर भी है जो है ना पीपल्स पार्टी है इसके पीछे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी जो है ना प्रेस क्लब के अंदर, अभी तो हर जगह पंजाब के अंदर हर जगह डॉक्टर्स जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सर देखें, पहली बात यह है कि कल जो एक प्रोग्राम आपके सामने चला, उस प्रोग्राम के दौरान भी वज़ीर आज़म ने जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी शहबाज शरीफ का नाम लिया, पीपल्स पार्टी का नाम लिया और फिर सिंध गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज़ किया, तो ये तमाम चीज़ें इस बात की निशानदेही करते हैं या कि हमारा प्राइम मिनिस्टर इस बीमारी के मामले में कितना संजीदा है। संजीदगी का उसका आलम यह है कि अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर वो महसूस कर लेता कि पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम इस वक्त मुश्किल सूरत-ए-हाल से दो चार हैं, तो होना ये चाहिए था कि उसको चारों सूबाई चीफ मिनिस्टर को साथ लेकर कंसेंसस के साथ और फैसले करने चाहिए थे। जो तरीकाकार है वो यही है, चूँकि टीम का जो कैप्टन होता है चारों सूबे जो सूबाई हुकूमत में जो मेन टीम का कैप्टन है वो ज़ाहिर है कि मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर है वही है, लेकिन बदकिस्मती से जो पॉलिटिकल विजडम है वो प्राइम मिनिस्टर किसी भी सूरत में अपना रोल प्ले करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हर मामले को अपनी अना का मामला बनाकर देखता है, वो मुल्क की मामलात को उस गहराई से नहीं देखने के लिए तैयार जिसमें उसको देखना चाहिए। ये जानते हुए भी कि जो आइंदा आने वाला मुश्किल वक्त है जो हमारी बीमारी की वजह से, अगर ये बीमारी किसी वजह से बढ़ती है और मसलसल बड़ी चली जा रही है, मेरे ख्याल में इस वक्त 200 से ज़्यादा लोग जो है वफात भी पा चुके हैं, इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर इस बात की तो यकीन दानी कराता है कि मई का महीना इंतहाई ख़तरनाक है और ये बीमारी मई के महीने में बढ़ सकती है, ये तमाम चीज़ें वो बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये बात क्यों नहीं देखता कि जब पूरे मुल्क के जो मेडिकल एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि इस बीमारी का इलाज सिर्फ यही है जो हम बता रहे हैं, लिहाजा इसके लिए लॉकडाउन का होना बहुत ज़रूरी है, तो ऐसी सूरत हाल में फिर वो बात क्या करते हैं, स्मार्ट लॉकडाउन की बात करते हैं। स्मार्ट लॉकडाउन से
पंजाब की जो हेल्थ मिनिस्टर है, कल एक प्रोग्राम में मैं उनको देख रहा था कि वो इतना प्रेशर में बात कर रही थी कि उसका जी तो चाहता था कि मैं लॉकडाउन की बात करूं, लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर की जो डायरेक्शन थी उसके मुताबिक वो ज़हनी तौर पर इस पोजीशन में नहीं थी कि खुल के कहती कि पंजाब में भी लॉकडाउन होना चाहिए। अब जो सूरत हाल है, जिस अंदाज में हमारे केसेस की रफ्तार बढ़ रही है, अल्लाह ना करे ये सूरत हाल अगर मज़ीद बढ़ती है तो फिर हमारे पास जो हमारा हेल्थ का अरेंजमेंट है या इस बीमारी से मीट करने के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट हैं वो हमारे पास नहीं है। और डॉक्टरों का ये कहना बिल्कुल बजा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें रोड पर आके लोगों का इलाज करना पड़े। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि देखना ये चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए था कि इस बीमारी से जो जिससे पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम डायरेक्टली अफेक्टेड हैं और इसका जो बाद में जो अफेक्ट माशी अफेक्ट जो पड़ेगा वो तो बहुत बात की बात है। आप देखेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है। मेरे नज़दीक अंतई तशवीशनाक सूरत हाल है माशी एतबार से। आज देखें कि मंडल ईस्ट से बहुत सारे मुल्कों ने कहा कि अपने लोगों को वापस ले जाएं, तो वो लोग जो बाहर से आपको रकम भेजते थे, आपके कौमी ख़जाने में पैसा आता था जिसकी वजह से आप हालात को रन भी करते थे, अगर तमाम ममालिक उन लोगों को वहाँ से बेरोज़गार करके निकाल देते हैं तो आप ये बताएं कि आप कहाँ जा रहे हैं। आज के एक न्यूज़पेपर में आप देख लें कि इस वक्त 300 से ज़्यादा पाकिस्तानी सिर्फ अमेरिका में मरा है। हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है, हमने कोई आवाज़ नहीं उठाई, कोई कुछ नहीं बताया कि बाहर के मुल्कों में मरने वाले लोगों की तादाद क्या है। तो मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर शायद ये सोच रहा है कि मैं जो चंदा मांगने का माहिर हूँ मेरे कहने पर लोग देते हैं, और मैं हैरान हूँ कि सत्तारीदी का लड़का जो खुद चंदे पर चलता है वो चंदा लेके जाके दूसरे मांगने वाले को चंदा देता है, हालांकि सत्तारीदी के बेटे को वो चेक जाके वहाँ नहीं देना चाहिए था, वो इसलिए कि वो पैसा लोगों ने भरोसा करके आपके इदारे को दिया था कि आप लोगों की वेलफेयर पर खर्च करें, इसलिए नहीं दिया था कि आप अपने नंबर बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर के पास पहुँच जाएँ। तो ये जो सूरत हाल है, कल आपने 55 करोड़ या 56 करोड़ का जमा कर लिया, इसका मतलब नहीं हो गया कि आपने बहुत बड़ा तीर मार दिया। मुझे दुनिया का एक मुल्क बता दें सिवाय पाकिस्तान के जो इस तरह से लोगों से भीख मांगता हो। मैं इसको भीख का जुमला इसलिए कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर हुकूमत का ये काम नहीं है कि वो लोगों से चंदा मांगे, लोग खुद कराए, ये जानते हुए भी कि लोग इस वक्त इंतई मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं, उनका अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारना बहुत बड़ा मुश्किल है, इन तमाम चीज़ों को जानते हुए भी आप दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान जिसको हम एटमी ताकत कहते हैं, उस एटमी ताकत का सरबराह जो है वो दुनिया के सामने, क्या दुनिया तो दूर की बात है, अपने ही लोगों के सामने हाथ फैलाता है कि मुझे चंदा दे दो। तो इससे क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की वो स्पीचेस जो उन्होंने अपोजिशन में रहते हुए की है, मैंने कल परसों एक स्पीच सुनी जिसमें उन्होंने क्लियर कहा कि क्या कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी किसी से भीख मांगी, अगर कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना ने भीख नहीं मांगी तो मैं क्यों भीख मांगू, अगर मैं भीख मांगूंगा भीख मांगने से बेहतर यही है मैं खुदकुशी कर लूंगा। तो ये क्या ड्रामेबाजी हो रही है इस मुल्क में, और मैं हैरान हूँ उन लोगों पर जो इस प्राइम मिनिस्टर को लेके आए हैं, उनके सामने क्या हो रहा है। आज भी फौज पाकिस्तान के जो SPR के जो हेड हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखें, अपने प्राइम मिनिस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखें, फिर इन दोनों का कंपैरिजन करें। कंपैरिजन करने के बाद आप ये देखेंगे कि आज भी फौज पाकिस्तान ये चाहती है कि कम्प्लीटली लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता है कि नहीं कोई लॉकडाउन होने की जरूरत नहीं, गरीब लोग मर जाएंगे। तो मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से ये सवाल करने में आगे जानूंगा कि अगर यही तादाद आपकी 50,000 60,000 या 70,000 पर चली जाती है तो क्या आपके हालात आपको इस बात की इजाजत देंगे। ठीक है सर, क्या हो रहा है, हर जगह लॉकडाउन है, दुकानें बंद, सब कुछ, बार बार ताजिर कह रहे हैं कि हमें दुकानें खोलनी दी जाए, हम दुकानें खोलें, सब कुछ, कराची के ऊपर क्या सियासत हो रही है, क्या आपको लग रहा है कि इसके ऊपर तहरीक इंसाफ उकसा रहे हैं ताजिरों को, उसके पीछे तहरीक इंसाफ वफाकी हुकूमत है, क्या आपको ये लग रहा है? सर मुझे ये नहीं लग रहा कि वो इस हालात में ऐसा करेंगे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन कह रहे हैं कि डॉक्टर्स के पीछे पीपल्स पार्टी है, उनकी सियासत है। मैं आपको वो बता दूं, मुझे नहीं लग रहा कि इस साजिश के पीछे या ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे तरीके इंसाफ है, उनकी नीयत पे कोई शक नहीं है, लेकिन उनके तरीके कार पे एतराजात हमें ज़रूर है।
उनके जो बयानात हैं, जो उनके वज़रा मुशीर बयानात दे रहे हैं, उसमें उनकी साख ख़राब हो रही है, इमेच्योरिटी नज़र आ रही है। और ताजिर जो हमारे गलत बयानात या उन कुछ ऐसी बात कर रहे हैं, उसकी मेन वजह उनके बयानात की है जो फेडरल गवर्नमेंट से आ रहे हैं, क्योंकि एक बयान नहीं आ रहा। सिंध गवर्नमेंट एक कुछ कह रही है, फेडरल गवर्नमेंट कुछ कह रही है। और जाहिर सी बात है, लॉकडाउन है, कुछ लोग माली तौर पे स्ट्रांग हैं, बहुत सारे लोग माली तौर पे वीक हैं, वो परेशान हैं। अब सिंध गवर्नमेंट ने SOPs बनाई हैं, सिंध गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव देने के लिए तैयारियां कर चुकी है, कुछ कर भी रही है, उनसे मुज़ाकरात भी हो रही है। लेकिन जो कहीं कहीं हर्डल हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, वो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के बयानात पे हो रहा है। अब देखें, डॉक्टर्स का उन्होंने कहा कि भाई सिंध गवर्नमेंट के जो डॉक्टरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके पीछे पीपल्स पार्टी है। जो पंजाब के डॉक्टरों ने की, उसके पीछे कौन है? तहरीक इंसाफ है या बोझदार है या कौन है? ये बात को समझ दी रहे, ये मेच्योरिटी दिखा रहे। लेकिन अचानक सर उनके वज़रा बाहर आते हैं, अचानक राशन के ऊपर आपके ऊपर इल्जाम लगते हैं कि कैसे इतने पैसे, पहले 8 अरब की फिर 12 अरब की बात होती है, अचानक वज़रा आपके ऊपर तनकीद, आपकी गवर्नेंस के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर अचानक सियासत शुरू हो जाती है। मैंने कहा सर वो इमेच्योरिटी कर रहे, वही तो अर्ज कर रहा हूं कि ये इनके जो वज़रा है, ये इमेच्योरिटी। अब देखे हमारे हमारे आप चेयरमैन साहब की बात देखे, नहीं तो अगर हमें सियासत करनी होती, हमें क्रिटिसिज्म करना होता, तो इन्होंने तो 12 दिन सर मीटिंग कॉल नहीं की। लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या अपना स्टेटमेंट दिया कि भाई हमें इस सिस्टम पे जो अभी मौजूदा हालात हैं, हम अपने प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हैं, हम उनको सपोर्ट करेंगे, हम उनके खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये वबा है, हम सब इसका मिलके मुकाबला। लेकिन शाह साहब वो तो कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन, आप तो कहते हैं सख्त लॉकडाउन होना चाहिए। होना चाहिए सही, हम वो तो कहते हैं स्मार्ट होना चाहिए, रोजगार भी चलना चाहिए, लॉकडाउन भी होना चाहिए। कुछ दिनों के बाद आप देखिएगा यही कहेंगे कि सख्त लॉकडाउन, क्योंकि वो उनको बात थोड़ा बात समझ आती है, थोड़ा बाद में उनको पता चलता है कि जो सिंध गवर्नमेंट कह रही है वो सही कह रही है, जो दूसरे नून लीग की जो बात। सर मेरे टेलीफोन लाइन पे खुरम शेर जमान साहब जो है हमारे पास टेलीफोन लाइन पे, सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, MP है। खुरम शेर जमान, आपकी बड़ी मेहरबानी सर, आपने टाइम दिया टेलीफोन लाइन पे। आवाज आ रही है आपको खुरम शेर जमान साहब? आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। सर एक मौकिफ एक बन नहीं पा रहा, लॉकडाउन तो है, आज ऐलान भी किया है असद उमर साहब ने, सब कुछ हुआ। आप कह रहे हैं कि एक स्मार्ट लॉकडाउन हो, सिंध गवर्नमेंट आज भी अपने मौकिफ पे है कि सख्त लॉकडाउन होना चाहिए, एक मौकिफ नहीं आ रहा, क्या कहेंगे इसके ऊपर? जनाब सिंध गवर्नमेंट तो यहाँ पे मेरे ख्याल से छोड़े ना, दुनिया को छोड़ा है, ठीक है, और कारोबार भी बंद है और बेरोजगार भी रही है। हमें लॉकडाउन से कोई एतराज हुकूमत के, हमने कभी नहीं कहा कि हमें लॉकडाउन से एतराज है, हमें सिर्फ ये एतराज है कि देखिए दुनिया के अंदर लॉकडाउन है, लेकिन उसका तरीका कार है कि आवाम का रोजगार चलता रहे, जो गरीब लोग हैं, जो रोज के दिहाड़ी डाल रहे हैं, उनका चूल्हा घर में चलता रहे। शुरू में मुराद अली शाह साहब ने कहा कि हम 20 लाख लोगों को राशन दे के सूबे सिंध के अंदर हम पूरा कर देंगे, हम खामोश होकर मैंने कहा चले ठीक है, चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं सही कह रहे हैं। अब आपके सामने है कि वो 20 लाख राशन का ये हाल है कि कभी वो 2.5 लाख कहते हैं, कभी 1.5 लाख कहते हैं, कभी 2 लाख कहते हैं, अभी तक उसका हिसाब किताब पूरा नहीं दे पाएंगे, 2.5 लाख 20 लाख है। तो इश्यूज तो दिन ब दिन भरते जा रहे हैं, हमें पता है, हम सियासी आदमी बल्कि आप सहाफियों को भी पता है कि कितना लोग परेशान है। राशन दे दे के 21 दिन हो गए, आज की तारीख में भी हम राशन बांट रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है कि NGOs काम कर रहे हैं, इंफ्रादी तौर पे आप जैसे लोग काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, तो लोगों का कुछ ना कुछ सिलसिला चल रहा है। अगर ये अंदाजा लगाएं कि अगर इस मुल्क के अंदर ये सारे अफराद अगर राशन ना दें तो आप बता दें कि लोग कहाँ जाएंगे? जिस घर के अंदर उसके बच्चे के पास अगर मुंह में रोटी ना जाए तो उससे आप जाके सवाल करेंगे कि उसके लिए लॉकडाउन इस तरह का बेहतर है या उसके लिए रोजगार बेहतर है? यहाँ पे लोग कोई बेकारी नहीं है, लेकिन लोगों को बेकारी बना दिया गया है। सो लिहाजा आपके लॉकडाउन से एतराज भी, हम आपसे सिर्फ ये गुजारिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसे तरीकेकार, कुछ ऐसे SOPs बना लिए जाएं जिसके जरिए लॉकडाउन भी रहे और लोगों का रोजगार चलता रहे, लोगों का खाना पीना चलता रहे। इस तरीके से तो राइट शुरू हो जाएंगे, जगह फसाद पे आ जाएंगे। आप लोगों को रोजाना की बुनियाद पर डरा रहे हैं, आप लोगों को धमका रहे हैं। देखें ये चीज तो आएगी, ये तो अब जाहिर है कि बहुत बढ़ गई है, एहतियात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बारे में बताएंगे कितनी एहतियात कर सकें, लेकिन ऐसा सलूक ना करें लोगों के साथ, कुछ जालिमाना सलूक ना हो। इस वक्त लोग बहुत ज्यादा परेशान है इम्तियाज भाई, आप अंदाजा लगा सकते हैं, लोगों की चीखें निकल गई हैं, लोग रो रहे हैं। मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ किस किस किस्म के लोग मुझे कॉल करके राशन मांग रहे हैं, उनकी फोन उठाते हुए शर्म आती है, मुझे पता है राशन मांग रहे हैं। वो लोग जो मेहनत करते हैं, 12-12 घंटे काम करते हैं, वो कह रहे हैं खुरम भाई बच्चे
लोगों के लिए खाना नहीं है घर में, आप बताएं मैं क्या करूं सुन के। तो लोग कहते हैं कि हम भले मर जाएं यार, बीमार हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, लेकिन अगर घर में खाना नहीं होगा तो दूसरों के घरों में घुसेंगे वो, तो ये मसला है सारा। ना आपकी नियत पे मुझे शक नहीं है, ना गवर्नमेंट की नियत पे, ना सिंध गवर्नमेंट की नियत पे शक। मुझे एक एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो आप हैं, सब लोग ये कह रहे हैं कि अगला महीना, उससे भी अगला महीना केसेस भी बढ़ेंगे, सब कुछ होगा, एक तरफ तो मौकिफ भी है, दूसरी तरफ लॉकडाउन को रिलैक्स भी कर रहे हैं, हेल्थ सिस्टम भी आपके सामने, चीजें किस तरह हम मैनेज करेंगे सर? सर मैनेज हो सकती है बिल्कुल, कोशिशें की जाएं, थोड़ी सी मेरे ख्याल से अपनी सोच को वसी किया जाए और इस लिहाज से सोचा जाए कि बीमारी भी है और लोगों की भूख भी है, दोनों को एक टाइम पे देखना है कि बीमारी ना फैले और लोगों को रोजगार भी मिल जाए। अगर इस नियत से सोचा जाएगा तो मैं समझ रहा हूँ कि जरूर आसानी आएगी। देखे ना कि इतना प्रेशराइज किया हमने, इतना कहा, तो थोड़ा बहुत तो सिंध हुकूमत ने बेहतरी लेकर आई है, इसी तरीके से और बेहतरी की जरूरत है। देखें ये वक्त नहीं है सियासत करने का, हम कभी भी सियासत नहीं करना चाहेंगे, हम तो इस वक्त अपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं कि जो लोगों की चीखें निकल रही हैं, लोगों के जो एतराजात हैं वो हम आपके जैसे फोरम्स के ऊपर हम आवाम तक या गवर्नमेंट तक पहुंचा रहे हैं, वरना अदरवाइज हमें क्या जरूरत है कोई सियासत करने की। और हमें इनकी नीयत पे भी शक नहीं है, ऐसा नहीं कि नीयत पे शक है, लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि देखें इस वक्त हालात बहुत ज्यादा खराब है, आप नहीं कर पाए हैं, देखें पॉसिबल नहीं गवर्नमेंट के लिए करना, ये इम्पॉसिबल है कि सिंध के सारे लोगों को जो ना वो एक हर घर के अंदर राशन पहुंचा दे, ये इम्पॉसिबल है। तो आप सोचेंगे जब हुकूमत के लिए पॉसिबल नहीं है घर में राशन पहुंचाना, तो हुकूमत को ऐसे वसाइल पैदा करने पड़ेंगे, ऐसे इंतजाम, ऐसे रास्ते अख्तियार करने पड़ेंगे जिसके जरिए आवाम अपनी मदद आप कुछ ना कुछ अपने मामला चलाते रहें। ठीक है, दूसरी तरफ सर डॉक्टर्स यहां कराची के अंदर, पंजाब के अंदर, अब तो डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि सर उल्मा गवर्नमेंट्स को एक दफा मुतालबा किया है कि मसाजिद के अंदर तरावी नमाज, इसके ऊपर सोचना पड़ेगा सर, ये चीजें क्राउड नहीं करना पड़ेगा, घर में ये चीजें करनी पड़ेंगी, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? आप प्रेसिडेंट भी हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है खुर्रम शेर जमान, आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, और जाहिर है कि देखें नमाज तरावी रमजान हम सबके दिलों के बहुत करीब है, और ये वजीर आजम साहब ने भी कहा है, सीएम ने भी कहा है सिंध के, बाकी भी कहा है कि जो जितना ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में पढ़े नमाज अच्छा है, लेकिन अगर मस्जिदों में जाते हैं तो मस्जिदों की जो SOPs बनाई हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा, और अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो मस्जिदों को बंद भी हम करेंगे। तो लोगों को ऑप्शन दे दिए गए हैं, देखें ना आज दुबई जो है पूरा UAE खुल गया है, सुबह 10 से लेके रात 12 बजे तक, बल्कि सुबह 9 से रात 10 बजे तक पूरे दुबई को खोल दिया गया और SOPs बना दी गई हैं कि ये फला SOPs हैं, 30% बता दिए गए कि हर जगह का जो 30% है उसका स्टाफ उसके अंदर मौजूद होगा या कस्टमर्स मौजूद होंगे। तो दुनिया आहिस्ते आहिस्ते अपनी जगह पे वापस आ रही है, लेकिन एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है, हम आपके साथ खड़े हैं, डॉक्टर्स के साथ खड़े हैं, सिंध गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, आप एहतियात जो करें वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन सारा ये समझें कि जिस वक्त घरों के अंदर भूख से मर रहे हैं, खुदारा ये समझे हमारे तो शायद बहुत सारे वसाइल आज भी हमारे पास मौजूद हैं कि हम राशन खरीद सक रहे हैं, लोगों के घरों में पैसे नहीं हैं इम्तियाज भाई, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, नहीं है, रमजान है, शहरी कहाँ से करेंगे, अफतारी कहाँ से करेंगे, बच्चों को कहाँ से पालेंगे, बहुत ज्यादा परेशानी है, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, टेलीफोन के बिल हैं, ये तो सारी चीजें रुकी नहीं रही है, ये तो चल ही रही है, तो इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी खुर्रम शेर जमान साहब आपकी, बड़ी मेहरबानी सर। शसब समझना पड़ेगा, गुर्बत भी है, सब चीजें हैं, बीमारी भी है, केसेस भी हैं, आप सही करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं हो रही, क्या कहेंगे? सही, देखें ये एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि क्या लॉकडाउन से सिंध गवर्नमेंट को कोई फायदा हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा, उल्टा सिंध गवर्नमेंट को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है अगर लॉकडाउन उसको बरकरार। लेकिन ये लॉकडाउन क्यों कर रहे हैं? सिर्फ अवाम के, लोगों के भले के लिए क्यों किया जा रहा है कि भाई जैसे आपका जरूर जो ताजर बिरादरी है, जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, जो हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, उनके साथ मिलके SOPs बनाई जा रही हैं, रमजान में रिलीफ दिया जा रहा है, 9-3 बजे अभी खुलेंगे जी, खुल रहे हैं, लेकिन ये लॉकडाउन जो है वो क्यों है? उसमें हमारा तो उसमें कोई फायदा, हमें तो उल्टा फाइनेंशियली सिंध गवर्नमेंट को बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन क्यों किया जा रहा है कि अवाम को बेहतरी दी जाए, अवाम को वो, उस पे हमें सपोर्ट चाहिए फेडरल गवर्नमेंट की। जैसे खुर्रम ने कहा कि हम यहां सिर्फ अपनी अपोजिशन कर रहे हैं, लेकिन हम तो इस वबा
की वजह से हम तो प्राइम मिनिस्टर का साथ देते हैं, हम तो प्राइम मिनिस्टर का साथ दे रहे हैं, हम तो प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन साहब ने पहले दिन पे कहा कि हम प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं, और हमें हम भी ये उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दूसरी पार्टीज इस रोल में हमें साथ दें। और आपने चीफ मिनिस्टर साहब को देखा है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने जब कॉन्फ्रेंस की तो ऑल पार्टी सबको बुलाया, सबके सरबरा बुलाए, सबसे बैठ के बातचीत की, अपने आइडियाज शेयर किए, उनसे बैठ के आइडियाज लिए गए। लेकिन बजाय इनको हमें सपोर्ट करने के लिए हमें इनकरेज किया जाए, ये जो छोटी सी सियासत होती है, ये बात नहीं, वहाँ ये नहीं हुआ, फलां ये जगह पे नहीं हुआ, वो देखें चीफ मिनिस्टर हाउस साफ हो रहा है इन दिनों में, ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या वाकई आपको लग रहा है कि जल्दी की जा रही है? आपको पता है कि WHO की गाइडलाइंस को, WHO की जो एडवाइजरीज हैं कि जल्दी नहीं करनी चाहिए, आप लॉकडाउन को खत्म नहीं करना चाहिए, वो जल्दी की जा रही है, आपको लग रहा है कि? यासीन आजाद साहब देखें, पहली बात यह है कि मेरी समझ में नहीं आता कि PTI की गवर्नमेंट सिर्फ जो है ना सिंध के प्रॉब्लम्स की बात करती है। मैं ये कहता हूँ कि जो प्रॉब्लम सिंध के अंदर हैं वही प्रॉब्लम पंजाब के अंदर भी हैं, वही KPK में है, वही बलोचिस्तान में है। आपको किसी एक सूबे को टारगेट नहीं बनाना चाहिए, चारों सूबों की बात करनी चाहिए और इंतजाम को देखना चाहिए। एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आपकी बेसिक जिम्मेदारी ये है। नंबर टू, जो चीज़ आपने सवाल किया उस सवाल का जवाब ये है कि मेरे ख्याल में, मैं फिर इस बात को रिपीट करता हूँ कि अभी तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस मामले में संजीदा है ही नहीं कि ये बीमारी है क्या और इसके लॉन्ग रन इफेक्ट क्या हो सकते हैं। सर टाइम लिमिटेड है सर, बड़ी मेहरबानी सर, यासीन आजाद साहब, शाह साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, हमें संजीदा होना पड़ेगा और दुनिया ने जो गलतियां की है वो हमें नहीं करनी पड़ेंगी। ये डॉक्टर्स ने कहा है कि हमसे पूछा जाए, हम एक्सपर्ट्स हैं, हमसे मशवरा किया जाए, ना कि उनसे किया जाए जो इनकी फील्ड नहीं है। WHO की क्या गाइडलाइंस हैं, क्या एडवाइजरीज हैं? उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन रिलैक्स करने के लिए कोई जल्दी न की जाए। डॉक्टर्स ने भी आज जिस तरह, फीमेल डॉक्टर्स ने जिस तरह उन्होंने कहा है कि खुदारा, कल भी डॉक्टर्स ने कहा कि इस तरह ना हो कि हमारे यहां इटली जैसी सूरत हाल हो। बार बार ताजर भी यही कह रहे हैं, हमारे पास पहले SOPs को कितना फॉलो किया गया है, जिस तरह रिलैक्स किया गया है आपको पता है खुद, उस तरह केसेस बढ़ते गए, CM सिंह ने भी कहा, और जिस तरह हमारे पास लॉकडाउन था भी सही तो सोशलाइजेशन हमारे पास होती रही। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।